देखिए, आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो है उस पर सदन का ध्यान, उसमें सदन का ध्यान खींचा था कि एक हमारे विधानसभा क्षेत्र इंदौरा का एक युवा जो सेना में मेजर के पद पर तैनात है, और आज ही के दिन 2020 में जम्मू कश्मीर में लेह सेक्टर के अंदर बॉर्डर पर उन्होंने शहादत पाई थी 30 अगस्त 2020 को। तो उस पर आज सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए हमने सरकार से मांग की कि उस वक्त जो हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उनके जो मुखिया उस वक्त थे, जो आज वर्तमान में हमारे विपक्ष के नेता हैं श्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने उनके परिवार के साथ उनको आश्वासन दिए थे, वो आश्वासन आज तक अधूरे हैं। उस पर जो है सरकार का ध्यान भी खींचा और सरकार से मांग भी की गई कि मेजर दीक्षांत थापा जी के परिवार से जो आश्वासन जो सरकार द्वारा जो उनको दिए गए थे, एक बड़ा महत्वपूर्ण उसमें था कि उनके परिवार से एक जो है किसी को नौकरी जो है सरकारी नौकरी जो है दी जाएगी, वो आज तक दी नहीं जा सकी है। ये परिवार काफ़ी बार उन्होंने जो है इसकी डिमांड जो है सरकार के समक्ष रखी है, और उसके साथ साथ उनके जो गाँव को, उनके घर को जो मार्ग जाता है, उस मार्ग का नाम भी जो है मेजर जो हमारे शहीद थे उनके नाम पर रखने के लिए, और एक स्कूल का नाम जो है मेजर दीक्षांत थापा के नाम रखने के लिए उस वक्त जो है सरकार श्री जयराम ठाकुर जी ने आश्वासन दिया था, लेकिन वो आश्वासन आज तक अधूरे हैं। उस ओर जो है हमारी मौजूदा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखिंदर सिंह सुक्खू जी, उनसे मांग की सरकार का ध्यान उस पर आकर्षित किया जाए, और एक जनरल सी मांग भी पूरे प्रदेश के अंदर मैंने रखी है कि ये जो जिन जो भी लोग जो भी हमारे युवा हमारे शहादत पाते हैं, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, उनके परिवारों के साथ जो भी सरकार हो, चाहे मौजूदा सरकार हो चाहे पूर्व में जो सरकार रही है, उन परिवारों के साथ जो आश्वासन जो उनको दिए जाते हैं, उनको जो है समय रहते जो है पूरा किया जाना चाहिए। क्योंकि एक बड़ी एक जो है चाहे वो मेजर है चाहे वो कैप्टन है चाहे वो किसी भी पद पर जो आर्मी के अंदर तैनात हमारे प्रदेश के जो युवा होते हैं, और जब वो शहादत पाते हैं, और बहुत बड़ा एक सदमा परिवार को तो होता ही है, लेकिन बहुत बड़ी हानि एक पूरे प्रदेश की भी होती है। तो मैं समझता हूँ कि एक उन परिवारों के साथ जो भी सरकार द्वारा आश्वासन जो उनको दिए जाते हैं, उनको समय रहते हुए उनको पूरा किया जाना चाहिए, ये मांग है सरकार के समक्ष। कांग्रेस सरकार परिवार के लिए नौकरी का है जाने का मामला हुआ, इसको लेकर निश्चित रूप से पिछले जब ये जो लोकसभा का चुनाव चल रहा था और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखिंदर सिंह सुक्खू जी हमारे इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर गए थे, इलेक्शन रैली थी, तब जो उनके जो शहीद मेजर दीक्षांत थापा, उनके जो माता श्री हैं वो माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे, उन्होंने भी अपनी मांग को जो मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा था, और मैंने स्वयं भी उनके परिवार की जो मांगे हैं उनको सरकार के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा है, और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इन मांगों को जो है वो पिछली सरकार ने उनको पूरा नहीं किया, और जो मांगे अधूरी रहती है उनको जो है शीघ्र इन मांगों को जो है पूरा किया जाएगा। आज भी कई दिन वो शहीद हुए थे। निश्चित रूप से जैसे मैंने आपसे कहा है कि क्योंकि एक अपना जो मुद्दा रखने का एक मंच जो है, सबसे बढ़िया मंच जो है वो विधानसभा हमारा सदन है, आज जो सदन का ध्यान इस ओर हमने आकर्षित किया है, जहाँ तक एक फाइल जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उनके परिवार की तरफ से जो डिमांडे हैं वो अपनी तरफ से मैंने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दे रखी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मांगों को जो है शीघ्र पूरा किया जाएगा। और इसके अलावा मैं एक मतलब पूरे मेरा प्रदेश की बात करूँ तो मेरी ये मांग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी रहेगी, हमारी सरकार से भी रहेगी, कि तमाम ऐसे परिवार जिनको जो है सरकारों द्वारा आश्वासन दिए गए हैं, उन आश्वासनों को जो है समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाना चाहिए, और आज उनका एक वहाँ पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम हमारे इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर उनके निवास स्थान पर जो शहीद मेजर दीक्षांत थापा है उनके निवास स्थान बारी कलोरी में भी रखा गया था। मैं अपनी तरफ से भी उनको इस आज के दिन जो उन्होंने शहादत पाई थी उसको जो है उनको मैं श्रद्धांजलि अपनी तरफ से देता हूँ।